नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में मनमाड़ रेलवे लाइन की शुरुआत जल्दी होने वाली है। आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडियो शर्मा और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया है कि 18,000 करोड़ की है योजना, वर्षों से लंबित पड़ी थी जिसको हमने शुरू करने का प्रयास किया है और आज डबल इंजन की सरकार मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ की जनता के लिए ये सौगात दी है। ये लाइन शुरू होने से पहले प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे थे जो रेल से वंचित थे, जैसे धार, बढ़ाने, बुरहानपुर जैसे क्षेत्र जो वर्षों से रेल लाइन से नहीं जुड़े थे। अब मनमाड़ रेलवे लाइन जोड़ने से महाराष्ट्र के क्षेत्र में जैसे नासिक और इन क्षेत्रों से प्याज का व्यापार और कमर्शियल क्षेत्र में कॉरपोरेट जगत के कंटेनर यहाँ से आवास जावक रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र, धार, बड़वानी और क्षेत्र को जोड़ने वाले कई इलाकों को फायदा मिलेगा। दरअसल मनमाड़ रेलवे लाइन बरसों से लंबित पड़ी थी, वो निमाड़ क्षेत्र के लोग इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। अब जाकर ये योजना को शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये रेलवे लाइन शुरू होने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी में कई आयाम जुड़ जाएंगे। बिजनेस के जैसे महाराष्ट्र से आने वाली प्याज, फल, सब्जियां और मध्य प्रदेश को आसानी से मिल जाएगी। पहले रोड के माध्यम से ये चीज़ मध्य प्रदेश में आती थी और कई बार घाटों पर जाम लगने से सब्जियां रास्ते में ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब रेल कनेक्टिविटी जुड़ने से आसानी होगी। मनमाड़ रेलवे लाइन गत वर्षों से लंबित पड़ी थी जिसको लेकर कई राजनीतिक दल इस मनमाड़ रेल लाइन को शुरू करने के लिए आंदोलन कर चुके हैं। अब जाकर केंद्र सरकार के इसको मंजूरी दी है। 18,000 करोड़ की रेल लाइन 2029 तक पूर्ण होगी। ये बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रेल मंत्री शिवांगी इसको 2028 तक कंप्लीट करने की मांग की है, क्योंकि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ शुरू हो जाएगी, जिससे सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को इस रेल लाइन से काफ़ी फायदा मिलेगा।